यार तुमको याद है जब ये नोटबंदी हुई थी तो बड़े पैसे वैसे निकले थे, जो मम्मियों के पास निकले थे ना उनमें से 70% नोट तो वो थे जो माओ ने बच्चों से छीने थे, जो वो गेस्ट दे के जाते ना कि बेटा ये तुम रख लो। हाँ याद है, जैसे ही गेस्ट चले जाते थे मम्मी हाथ से नोट छीन लेती थी। पर खैर गेस्ट की बात हो रही है तो बहुत सारी और कहानियां, तुम बैठो मैं सुनाता हूँ। देखो आज मैं बात कर रहा हूँ गेस्ट की। जब मैं किसी के घर जाता हूँ ना और कोई सामने वाला मुझे ये बोल दे कि बेटा हम तो आपको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, घर वालों की तरह ट्रीट करते हैं, हम गेस्ट की तरह नहीं ट्रीट करते, मैं उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं मानता। क्योंकि मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे को ना आप गेस्ट की तरह ही ट्रीट करो, अपने बच्चे की तरह मत ट्रीट करो। क्योंकि हमने बचपन से देखा कि हमारे घर में जो ट्रीटमेंट गेस्ट को मिली है ना वो बच्चों को मिली नहीं। क्योंकि गेस्ट आता था ना तो तुम्हारे घर में वो बोन चाइना का सेट निकलता है, तुमको घर पे खाना मिल रहा है स्टील की प्लेट में जिसके पीछे दादाजी का नाम गुदा हुआ है। और बच्चे क्या होता है, एक तो ना कैटेगरी बना के रखते थे, हमारे टाइम में हमारे बड़े क्लियर कैटेगरीज होती थी कि मेहमानों की ना, कि ये प्लैटिनम, ये गोल्ड, ये सिल्वर, और वो उस बेसिस पे होती थी कि वो वापसी में कितने पैसे दे के जाते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है। कि जो तो दे के जा रहे थे उनको 500 एक, उनके तो प्रॉपर हम चरण स्पर्श। जो गोल्ड वाले होते हैं, जो 201 वाले, उनके हम घुटनों तक झुकते हैं। और उसके बाद होते हैं तुम्हारे सिल्वर और ब्रोंज कैटेगरी। जैसे ही वो गेस्ट आते हैं ना, पिछले 3 साल से भी फेल हो रहे होंगे ना, हमें ध्यान आ जाएगा पढ़ना है मम्मी मेरे को, मैं तो बैठ रहा हूँ। उनको नहीं हम दे रहे इज्जत। आजकल ना कुछ लोग आते हैं घर में मेहमान, एक वो आते हैं एक्टिंग वाले, वो ना तुमको पहले ही फ़ोन करके बोलते, सुन फॉर्मेलिटी मत करना, घर वाली बात जो बनाओ ना हम वही खा लेंगे। दाल के अंदर ना तो नमक थोड़ा कम लगना, पर बाकी सब हम घर का खा लेंगे। ये वो लोग हैं जो तुम्हारे घर ना खाने पे आते हैं, खाना खा चुके हैं, पर ये ना प्लेट उठाने की एक्टिंग तभी करेंगे जब तुम आसपास से निकल रहे हो। वो तभी करेंगे जब वो जैसे ही उठाएं और तुमको नहीं 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 नहीं, अरे मेरा, अरे नहीं 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 नहीं। फिर एक आते हैं जो तुम्हारे घर आके ना बच्चे को खुला छोड़ देते हैं। मेरी वाइफ की सिस्टर है, वो आई अपने बेटे के साथ, वो ऐसे फिर रहा कि मैं ढूंढूं कि क्या तोड़ सकता हूँ इस घर। हमारी टेबल थी शीशे की, उसने आया घुसा, हमने कहा और सोनू क्या हालचाल, ठड़ंग सिर मार रहा है। फिर उसने रिमोट उठाया और टीवी पे मार रहा है बार बार, ठक 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 ठक, आगे गया, फिर उसके बाद ना फ्रिज के दरवाजे से झूल रहा है। मैंने कहा यार उसको मना तो कर, पर वो माँ बाप भी ऐसे होते हैं, बेटा नो सोनू, नो बेटा। पिछली बार एक बार कौआ आया, वो घर के अंदर तक घुस गया, बाय चांस उसी टाइम सोनू भी आया हमारे घर। मैंने दोनों को इकट्ठे कमरे में बंद कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। मुझे दो चीज़ें आज बड़ी अच्छी लगी, एक तो जिया की हिंदी जो काफ़ी अंग्रेजीनुमा अंदाज में वो बोल रही है, और बाकी आप लोग जो कर रहे थे बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं मारवाड़ी आदमी हूँ, वेस्टेज मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जो इतने सारे शब्दों का वेस्ट होता है ना मुझे, जब जब एक शब्द में बात हो सकती है तो क्यों ना कही जाए। हम लोग प्रेम पे कविताएं भी नहीं लिखते लंबी लंबी, प्रेम पे कविताएं क्या लिखनी, बिना बोले जब बात हो सकती है, कोई सामने बहुत खूबसूरत सी लड़की आ रही हो तो उसमें गजल नहीं कहते, इतना सा कहते मेरे घर में मेरा साला आया तो बीवी ने कहा इनके लिए कुछ लाई है, मैं टैक्सी ले आया। बोले ना कुछ खिलाई है, मैंने खिड़की खोल दी। मैं अमेरिका गया, उन्होंने मुझे बोला, बोले हमने मोबाइल फोन बनाया, तुमने बनाया क्या, मुझसे पूछ रहा है देखो आप। चाइना गया, बोले हमने उसमें सिम कार्ड बना दिया, तुमने बनाया क्या। ताइवान बोले हमने उसमें बैलेंस तक बना दिया, तुमने क्या बनाया। मैंने कहा मिस्ड कॉल का आविष्कार तेरे बाप ने किया था, बता। ये हमारा आविष्कार, घंटी देखो छोड़ दो, वेस्टेज नहीं होता ना हमसे, हम पॉजिटिव लोग हैं, हम इतने पॉजिटिव हैं। हमारे यहाँ कोई एक किसी का दाह संस्कार हो रहा था तो कोई एक 90 साल के बूढ़े बाबा भी चले गए, तो जलाने वाले ने उनसे पूछ लिया, बोले बाबा आपकी क्या उम्र है। बोले 90 साल। तो बोले घर जाके क्या करोगे। ये स्थितियां बहुत अलग है ना, हमारे अलग है। लेकिन जिया तुम्हारी अंग्रेजी और हिंदी वाह मतलब कमाल है, आई वॉन्ट टू बी योर स्टूडेंट। इस अंदाज में हिंदी बोलने की कला जो है
वो बहुत कम लोगों के पास होती है। मैं बताता हूँ, अंग्रेजी में भी ऐसा नहीं कि हमने कमाल नहीं किया। मैंने किया, मैं स्कूल में पढ़ता था जिस जमाने में, तो अंग्रेजी में हमारे पढ़ाते थे। टीचर आए, बोले खड़ा हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले मैं इंग्लिश का एक सेंटेंस बोलता हूँ, सेम सेंटेंस वापस बोलो। मैंने कहा सर बोलो। बोले बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पे है। टेबल इज ऑन द फ्लोर, टेबल जमीन पे है। सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर, इसका मतलब किताब जमीन पे है। मैंने कहा सर समझ में आ गया, अभी बताओ क्या करने का है। बोले सेम सेंटेंस बोलने का है। मैंने कहा सर सुनो, सेम सेंटेंस सुनो, आपने बोला बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज ऑन द फ्लोर, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर। सर मेरा सेंटेंस सुनो, आई लव यू, यू लव योर डॉटर, सो अल्टीमेटली। तो देखो हमने उनकी भाषा में भी काम कर दिया, लेकिन जो हमारी भाषा है ना जिया, वैसी भाषा कहीं मिलेगी नहीं। अंग्रेजी में वो भाव ही पैदा नहीं हो सकता। मैंने अंग्रेज को पूछा, मैंने कहा तुम चेहरे को अंग्रेजी में क्या कहते हो? बोले फेस। मैंने कहा थोबड़ा। मैंने कहा तुम पत्नी को क्या कहते हो? बोले वाइफ। मैंने कहा लुगाई। मैंने कहा किसी से मोहब्बत हो जाए तुम क्या बोलते हो? बोले अफेयर, लव। मैंने कहा लफड़ा, अपने इधर तो लफड़ा होता है। लफड़े की अंग्रेजी हो सकती है क्या कोई? तुम अंग्रेज हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते, क्या खा के करेंगे? मैंने कहा हमारी पत्नी हमसे रोज उठ के एक वाक्य बोलती है सुबह, तुम उसका तुम अंग्रेजी में अनुवाद कर दो, मैं गुलाम हो जाऊंगा तुम्हारा। बोले क्या बोलती है? मैंने कहा तुमसे शादी करके तो मैंने कर्म ठोक लिए। हमारी ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, ट्रक नहीं है मेरे जिगर का फूल है, माल उतना ही भरूंगा जितना गवर्नमेंट का रूल है। तो जो हमारी अपनी भाषा है इसका मजा अलग। थोड़ा सा कोशिश करो जिया, हमारे आजकल के बच्चे, तुम तो खैर नहीं हो, जिस चीज की वजह से मैं जाना जाता हूँ वो कविता इसलिए क्योंकि सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा, वो तमाम बच्चे इन दिनों जब मैं देखता हूँ और अपने बचपन की तरफ पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे वो नज़र नहीं आ रहा जो आना चाहिए। इन दिनों के बच्चों को आप देखते हैं, तो मैं अपनी कविता सुनाता हूँ और मैं समझता हूँ कि मुझे इससे बेहतर मेरे पास सुनाने के लिए कुछ है नहीं। इस कविता का शीर्षक है कि मैं बच्चे ढूंढ रहा हूँ। इन दिनों मैं बच्चे ढूंढ रहा हूँ, वो बच्चे जो माँ की लोरी सुने, वो बच्चे जो माँ की लोरी सुने, वो बच्चे जो धागों के टुकड़ों से सपने बुने, वो बच्चे जो कंप्यूटर में आंखें ना गड़ाए, वो बच्चे जो मौका मिलते ही मोहल्ले में खेलने के लिए चले जाएं, वो बच्चे जो नारंगी की गोली चूसें और मुस्काएं, बच्चे जो लूडो में अपनी गोटी चुपके से आगे खिसकाएं, बच्चे जो अपने पापा को सबके पापा से अच्छा बताएं, बच्चे जिन्हें पतंगों से भरा आसमान अच्छा लगे। आजकल ऐसे बच्चे मिलते नहीं, और अगली पंक्ति में खास तौर पे कहना चाहूंगा, बच्चे जिन्हें पतंगों से भरा आसमान अच्छा लगे, बच्चे जिन्हें घर में आया हुआ मेहमान अच्छा लगे। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।